इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर और भोपाल से, जहां लोकायुक्त द्वारा बड़ी कार्यवाही की जा रही है। जहां लोकायुक्त द्वारा खनिज अधिकारी के 3 ठिकानों पर आय अधिक संपत्ति होने पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के भोपाल स्थित फ्लैट और इंदौर के पटेल नगर और बाईपास पर कार्यवाही की गई। लोकायुक्त द्वारा सुबह से कार्यवाही की जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर भारत। देखिए, बिल्कुल बता दें कि इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने तकरीबन सुबह 5:30 बजे के करीब ये छापेमार कार्रवाई की है। इंदौर और भोपाल में कार्रवाई जारी है। तकरीबन 2 अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इन टीमों ने छापामार कार्रवाई की है, जिसके अंदर इंदौर के सपना संगीता स्थित एक बंगले पर और भोपाल स्थित एक फ्लैट पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि वहाँ से खन्ना को अपनी हिरासत में भी जो है ले लिया गया है। फिलहाल अब तक की जांच में स्पष्ट हो पाया है कि इंदौर और भोपाल में लाखों रुपए की नकदी जो है वो वहाँ से बरामद की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई भूमि के दस्तावेज, ज़मीनों के यहाँ से लोकायुक्त पुलिस ने अब तक बरामद किए हुए हैं। हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कितनी आय से अधिक की संपत्ति इनकी हो सकती है और कितनी आय से अधिक संपत्ति इन्हें अर्जित की है, क्योंकि इनकी शिकायत लगातार जो है लोकायुक्त पुलिस को मिली थी, जिसके बाद एकाएक ये सुबह जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 8 लाख रुपए नकदी जो है इंदौर के से बरामद किए गए हैं। वहीं कई तरह के भूमि संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रदीप खन्ना इंदौर में भी काफ़ी लंबे समय से खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ थे और लीज की ज़मीन के मामले में इन्हें निलंबित किया गया था, जिसके बाद इनका ट्रांसफ़र शोहेपुर किया गया था। हालांकि लोकायुक्त पुलिस के आला अधिकारी अभी इनसे परिजनों से और इनके अन्य रिश्तेदारों की भी भूमिका, उनकी ज़मीन संबंधित भूमिका, उनकी जानकारी जुटाएंगे, जिससे कि किसी भी घर के सदस्य के नाम पर कितनी संपत्तियां हैं इसकी अभी जांच की जा रही है। हाँ बिल्कुल बता दें, अभी क्योंकि सोएपुर में पदस्थ हैं और साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि देर शाम तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, कल हो सकता है कि खन्ना के जो निजी लॉकर हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जिन जिन बैंक खाते हैं उनकी जानकारी लोकायुक्त पुलिस जुटाएगी और उन के लॉकर खुलने के बाद और जो बैंक डिटेल है वो सामने आने के बाद कई बड़ा भ्रष्टाचार इसमें उजागर हो सकता है, क्योंकि पहले भी कई विवादों में रहे जो प्रदीप खन्ना हैं खनिज अधिकारी, वो पहले भी विवादों में रहे हैं। तो हो सकता है कि और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर कई बड़ी आय से अधिक संपत्ति इनने अर्जित की गई, ऐसी शिकायतें हैं। हालाँकि अभी जाँच का विषय है, क्या कुछ इस पूरी जाँच में खुलासा सामने आएगा ये अभी देखना ही होगा। तो भारत, बताए कि पहले भी किसी विषय पर इन पर कोई कार्रवाई हो चुकी है क्या? देखिए, इंदौर में ये पदस्थ थे लीज की ज़मीन संबंधित मामले में, इंदौर कमिश्नर द्वारा इन्हें जो है निलंबित किया गया था। हालांकि उस पर भी विभागीय जांच अभी खन्ना के ऊपर जारी है। फिलहाल कितने और भी मामले हैं ये भी इस लोकायुक्त कार्रवाई में स्पष्ट हो जाएगा, कितने समय से इन्होंने अपनी संपत्ति का कितना जो अर्जित की है इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। संबंधित लॉकर और ये सब चीज़ों की जानकारी के बाद ये पूरा भ्रष्टाचार उजागर होगा। लेकिन लोकायुक्त पुलिस की ये बड़ी, क्योंकि कार्रवाई बताएंगे कि खनिज अधिकारी के ऊपर एक लंबी समय के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदीप खन्ना की अगर बात की जाए तो वो पहले भी कई विवादों में रहे हैं। हालांकि इंदौर भोपाल स्थित दोनों ही कार्रवाई में कई भूमि संबंधित जो कागज दस्तावेज बरामद किए गए हैं वो अभी उनका आकलन किया जाएगा, वो किसके नाम से इन संपत्तियों की किससे खरीदी गई थी और इसके अलावा इनके पास और कितनी संपत्तियां हैं इसकी जांच की जा रही है। अभी 2 कारें, 1 बंगला, 2 फ्लैट, ऐसी जानकारियां जो हैं वो लोकायुक्त पुलिस को लगी है। फिलहाल खन्ना से भी पूछताछ की जा रही है, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो भारत, बताइए कि अभी कार्रवाई में लोकायुक्त की जो टीम है उसमें क्या खुलासा हुआ है? देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, सुबह जब टीम वहाँ पर पहुँची थी उसके बाद में एकाएक दबिश के बाद अभी कई दस्तावेज खंगाले गए हैं, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई जो है वो इंदौर और भोपाल है, तो अभी आकलन इंदौर भोपाल का नहीं किया गया है कि कितना है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना स्पष्ट है कि जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत
कई तरह की भूमि संबंधित का दस्तावेज और नकदी बरामद की गई है। अभी इस विषय पर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जब तक बैंक लॉकर और अन्य संपत्ति की जानकारी नहीं जुटाई जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर भूमि जो प्रदीप खन्ना है उनकी कितनी संपत्ति और उनने कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, कितना भ्रष्टाचार की जो शिकायत मिली थी वो आखिर कितनी सत्यता है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है लोकायुक्त पुलिस कर रही है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया भारत। इस विषय पे और अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ विनीत पाठक भी जुड़ चुके हैं। तो विनीत बताइए, भोपाल स्थित प्रदीप खन्ना के यहाँ छापामार कार्यवाही में अभी तक क्या क्या जानकारियां सामने आई है? जी देखिए, आज सुबह लोकायुक्त की टीम जो है वो जो खनिज अधिकारी है प्रदीप खन्ना उनके निवास पर पहुंची थी और निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कि काफी दस्तावेज मिले हैं, जिसमें भोपाल और इंदौर में मकान होने की जो सूचना है वो मिली है। इसके अलावा कुछ नकदी भी, करीब 10 लाख की नकदी लोकायुक्त की टीम को मिली है और अब ये जांच की जा रही है कि जहां जहां प्रदीप खन्ना रहे हैं वहां किस तरीके की इन्होंने कार्रवाई की, कहां से पैसा आया, क्योंकि लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि जो जिला खनिज अधिकारी है प्रदीप खन्ना इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत लगातार लोकायुक्त को मिल रही थी, जिसके बाद आज लोकायुक्त की टीम में भोपाल और इंदौर दोनों ही जगह छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें कि कई बेनामी संपत्ति होने की जानकारी भी मिल रही है। हालांकि अभी जो है वो कार्रवाई जारी है और जब कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर कितनी संपत्ति जो है वो प्रदीप खन्ना ने जुटाई थी। हालांकि अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है, अधिकारी घर में मौजूद हैं और तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जी जी, तो विनीत बताइए, लोकायुक्त ने जो कार्रवाई की है वो किस वक्त शुरू हुई? आज सुबह तड़के ही भोपाल के जो रचना नगर इलाके में प्रदीप खन्ना का जो पैतृक मकान है वहां पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और इसके बाद से ही लगातार कार्रवाई जारी है। प्रदीप खन्ना जो है वो भोपाल इंदौर समेत कई जगहों पर पदस्थ रहे हैं जिला खनिज अधिकारी के तौर पर, और इंदौर में एक मामले में पिछले दिनों जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी उस वक्त इन्हें सस्पेंड किया गया था इंदौर से, और उसके बाद से ही लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रदीप खन्ना ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसको लेकर के लोकायुक्त पुलिस ने आज सुबह उनके भोपाल स्थित मकान पर दबिश दी और कार्रवाई अभी भी जारी है। जी जी, तो अभी इस कार्रवाई में फिलहाल कितने अधिकारी मौजूद हैं? जी देखिए, भोपाल लोकायुक्त की जो टीम है जिसमें करीब 8 से 10 अधिकारी शामिल हैं और ये सुबह से ही प्रदीप खन्ना के मकान पर मौजूद हैं, वहां पर उनके जो बैंक अकाउंट हैं वो खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो बेनामी संपत्ति की बात कही जा रही है उसमें भी लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर दोनों ही जगह पर कार्रवाई चल रही है और दोनों ही जगह कितनी कितनी संपत्ति प्रदीप खन्ना ने जोड़ी है इसको लेकर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके अलावा प्रदीप खन्ना के रिश्तेदारों के नाम कितनी संपत्ति है इसको लेकर भी जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि शाम तक बड़ा खुलासा इस मामले में हो सकता है और पूरी जो जानकारी जुटाने के बाद भोपाल लोकायुक्त की जो टीम है वो ऐलान कर सकती है कि आखिर कितनी संपत्ति प्रदीप खन्ना ने जोड़ी थी और जो शिकायत लगातार मिल रही थी उसमें आखिर प्रदीप खन्ना के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। तो क्या अभी तक इस मामले में प्रदीप खन्ना का कोई बयान सामने आया है? देखिए, सुबह से जब से ही छापेमार कार्रवाई शुरू हुई है प्रदीप खन्ना से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदीप खन्ना जो है वो मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब कार्रवाई हो जाएगी तो लोकायुक्त की जो टीम है वही आगे पूरी जानकारी देगी कि आखिर कितनी संपत्ति प्रदीप खन्ना के पास से निकली है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे भोपाल और इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता, जिन्होंने बताया कि फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है, अब आगे देखना होगा कि इस बड़ी छापामार कार्रवाई में और क्या खुलासे हो सकते हैं। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एसीएन भारत पर।